Example 2. Let x1, x2, xn be a random sample from exponential population with PDF p x comma theta is equal to 1 upon theta e ki power minus x upon theta. Obtain MLE. MLE matlab maximum likelihood estimator of parameter theta. Book mein iski statement thodi si wrong hai. Yahan pe small x1, x2 aayega. Means ki small x aayega. Now, हमारा जो क्वेश्चन है उसका साइज कितना है n, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 1 to n लेना है. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में यूनिट साइज गिवन था, तो हम ये नहीं लिखेंगे, ओनली वन एलिमेंट लिखेंगे या वन वेरिएबल लिखेंगे. ये डेफिनेशन किसकी है? फिशर या नेमन क्राइटेरिया की. द लाइकलीहुड फंक्शन ऑफ x1, x2, xn इज गिवन बाय l ऑफ थीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 1 to n p ऑफ xi कॉमा थीटा. यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, x की जगह क्या आ जाएगा xi. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 1/2 e की पावर माइनस x1 अपॉन थीटा मल्टीप्लाई 1/थीटा माइनस x2 थीटा अप टू सो ऑन 1/थीटा e की पावर माइनस xn थीटा. बस यहाँ पे क्या किया हमने, प्रोडक्ट को ओपन कर दिया. नाउ 1/थीटा हमारा n टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे n आ जाएगा और e की पावर्स को हमारी मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन. समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi. e की पावर माइनस 1/थीटा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा लोग, थर्ड स्टेप, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल. फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, इसको जीरो की इक्वल लेके आना है, देन थीटा की वैल्यू प्रूव पुट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. सिक्स स्टेप क्या है हमारा, इसका डबल डेरिवेटिव करके थीटा को पुट कर देना है. फिर हमारा जो अगर लेस देन जीरो है तो MLE, अदरवाइज नॉट. फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसका लॉग लेना है, सॉरी सेकंड स्टेप, क्योंकि फर्स्ट पे तो हमने डेफिनेशन लगा दी. देन यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जैसे हम स्मॉल क्लासेस में करते थे. तो सॉल्व करके क्या आ गया, माइनस एल लॉग थीटा माइनस 1/थीटा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई. एक बार देखो, यहाँ पे लॉग एम की पावर एन है, तो एन हमारा आगे आ गया लॉग एम अपॉन एन. लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n. लॉग 1 क्या होता है, जीरो, और लॉग थीटा एज इट इज. ऐसे यहाँ पे क्या होता है, लॉग m की पावर n होता हो, n आगे लॉग m एज इट इज. तो ऐसे यहाँ पे है माइनस 1/थीटा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई, ये आ गया सारा. और लॉग e की वैल्यू क्या होती है, 1. हमेशा आपने याद रखना है लॉग 1 इज 0, log is 1, और log m की पावर n is n log m, log m upon n is log m minus log n, और log m into n क्या होता है, log m plus log n. ये हमारी log की प्रॉपर्टीज होती हैं. नाउ यहाँ पे सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/l कर्ल l अपॉन कर्ल थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस n अपॉन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1/थीटा स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज. बट ये हमारा जो फंक्शन है वो किसका है, थीटा का फंक्शन था, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ल एल कर्ल अपॉन कर्ल थीटा लॉग एल. थीटा की वैल्यू क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, इसको जीरो के इक्वल ले आए. तो ये हमारा स्टेप था फोर्थ, क्योंकि थर्ड क्या था, डेरिवेटिव. नेक्स्ट जीरो के इक्वल, उसके बाद फिर इसकी वैल्यू डबल डेरिवेटिव करके थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि लेस देन जीरो है या नहीं है. सो इसको जीरो के इक्वल किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/थीटा कॉमन निकाल दिया, माइनस एन प्लस 1/थीटा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई एज इट इज इक्वल टू जीरो. ये बन गया उधर जाके जीरो.
अंदर ये टर्म रहेगी, ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, एक्स बार के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई अपॉन एन। डबल डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या आ गया हमारा, आगे नेगेटिव कॉमन आ गया, मीन्स की लेस देन जीरो। देन कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल थीटा स्क्वायर लॉग एल लेस देन जीरो, हेंस थीटा कैप इज इक्वल टू एक्स बार इज एम एल ई ऑफ थीटा। थैंक यू।